अभी आपने अभी सलमान सर का जिक्र हो रहा था कहीं ना कहीं, और वो तो जाके बात कर लो फिर मैं, क्योंकि मेरी बहुत कीमती करोड़ों के जो वर्ड है ना वो वेस्ट हो जाएंगे आप ऐसे जो चीज़ करते रहो। तो आप उधर चल जाओ उनसे बात कर लो, क्योंकि मैं इतना ज्ञान दे रहा हूँ तो क्या फ़ायदा, फिर दुनिया तरसती होती मेरे ज्ञान के लिए। यस मैम सॉरी। तो जितने भी खड़े हैं इधर ही देखना मुझे, या उधर बैठ जाएं आप। सलमान सर का भी जिक्र निकला ही है, हम सबको पता है कि अभी इनको थ्रेट्स मिल रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, फैमिली को थ्रेट्स मिल रहे हैं, व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आप क्या कहना चाहेंगे जो मूस सिद्धू मूस वाले जो? हाँ ये बिल्कुल मैं बोलना चाहूँगा, और इनफैक्ट आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन करा, बिकॉज जो हुआ है बहुत गलत हुआ है सिद्धू मूसेवाला के साथ, और उनकी उससे ज़्यादा उनकी फैमिली। एक जवान लड़का जस्ट 28 ईयर्स ओल्ड इतनी जल्दी यू नो हमें छोड़ के चला गया, एंड वो एक नेचुरल डेथ नहीं है, वो एक मर्डर है। और जब किसी का मर्डर होता है तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए, और इसलिए नहीं कि वो सिर्फ सिंगर थे, वो एक नागरिक था, पॉलिटिशियन था, सिंगर था, बहुत अच्छा इंसान था। अगर इतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ दिन दिहाड़े ऐसे हो सकता है, आई डोंट थिंक कि आम जनता का तो पता नहीं लग रहा होगा कि क्या हो रहा है। ये तो थैंक्स टू मीडिया जिन्होंने थैंक्स टू मीडिया कि जिन्होंने इतनी आवाज़ उठाई तो ये चीज़ ऊपर के यहाँ आई है, ऊपर के आई है, लोगों ने देखा है। लेकिन बहुत सारे लोग तो बेचारे ऐसे ही मर रहे होंगे गोलियों से, और किसी का मर्डर हो रहा होगा और हमें पता नहीं चल रहा। तो ये चीज़ को हमें रोकना चाहिए, और आज सलमान भाई को इतनी बड़ी धमकी मिली है जो कि हमें इसको लाइटली या इजीली नहीं लेना चाहिए। और यही मैं सरकार से और पुलिस कर्मचारियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीज़ों को आप रोक सकते हैं, ये आपके हाथ में है, और आज एक नौजवान के साथ हुआ है, कल को किसी के साथ भी हो सकता है। सर आपसे आपको लगता है कि पंजाबी इंडस्ट्री के ऊपर अभी थोड़ा सा ये गैंग वॉर्स की वजह से थ्रेट बहुत बढ़ गया है, डू यू थिंक दैट पंजाबी इंडस्ट्री? नहीं बिल्कुल, बहुत यू नो ये बहुत ही सैड है कि पंजाब में ऐसा हो रहा है। वो पंजाब जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो पंजाब जिसमें मैंने अपनी सारे बचपना वहाँ पे गुजारा है और हंसते खेलते गुजारा है, कभी ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं है। बहुत साल पहले कुछ प्रॉब्लम्स थी हमारे पंजाब में भी, इनफैक्ट मुंबई में भी सुनते थे कि चलो यार अंडरवर्ल्ड है, ये है, वो है, लेकिन काफ़ी टाइम से बहुत स्मूथली चल रहा है। एंड अभी ये 2022 में अगर फिर वही यू नो जानवर वाली हरकतें होंगी इंसानों के साथ तो वो बहुत गलत है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे मैं नहीं कहूँगा सरकार का दोष है या पुलिस का दोष है, कहीं ना कहीं हम सबका भी दोष है कि हम उस चीज़ को लाइटली लेते हैं, हम उसकी आवाज़ नहीं उठाते। 20 साल पहले भी मेरे साथ ऐसा भी हुआ था कि मुझे भी ऐसी धमकी आती रहती थी, और मैंने हमेशा उस चीज़ को लाइटली नहीं लिया। मैं हमेशा जितने भी मेरे इर्द गिर्द थाने थे या जो मेरे दोस्त थे पुलिस में, मैं उनको हमेशा बताता था यार ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम्स आई हैं। तो हमारी प्रॉब्लम है कि जब हमें कोई धमकी देता तो हम डर जाते हैं। तो अभी क्या है, बहुत सारे बेचारे सिंगर्स हैं जिनको धमकियाँ आ रही हैं और वो चुपचाप यू नो वो पैसा दे जाते हैं आप, और इसमें पता भी नहीं चलता। आज कोई भी अब मुझे फ़ोन करेगा तो मैं कंफर्म नहीं करूँगा, मुझे कोई बोलेगा यार मैं इस गैंग से मैं बिलोंग करता हूँ तो मैं 100% डर के बोलूँगा यार बताओ क्या करना है। वही चीज़ हमारी गलती है कि जो पिछले 5 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा एकदम से ऐसा गैंग वार शुरू हो गया कि आप उनके कॉल्स आते हैं और वो एक डिमांड कर देते हैं और सिंगर्स प्यार से उनको पैसा दे देते हैं, या प्रोड्यूसर या एक्टर भी। गिप्पी गरेवाल के साथ भी ऐसा हुआ था, आई गेस मनकीरत के साथ भी ऐसा हुआ था। तो जब भी किसी के साथ होता है आई थिंक उसी वक्त उसको मीडिया को और पुलिस को रिपोर्ट करानी चाहिए। वो जो डिले करते 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 आज ये आलम होता है हो गया कि दिन दिहाड़े एक जवान लड़के की यू नो गोलियों के साथ 15 लोग आते हैं और यू नो एकदम छल्ली करके उसको जाते हैं, इतने बुरे तरीके से मारते जैसे कोई बहुत बड़ा कोई गैंगस्टर को मारा जाए। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। सर आपसे जानना चाहूँगा कि आपने लगातार पंजाबी सिंगर्स के नाम लिए और पंजाब के हम जब गाने देखते हैं द मोस्ट ऑफ देम आर लाइक ड्रिंक्स पे, ड्रग्स पे, गोलियों पे। सिद्धू मूसे वाले ने भी कुछ दिन पहले एक ऐसा गाना निकाला था जिससे अपोनेंट पार्टी काफ़ी नाराज हुई। सर आपको लगता है कि उस गाने की वजह से असर ज़्यादा होता है लोगों पे? नहीं नहीं, गाने की नहीं, मैं जब उनको लंदन में मिला था 2017 या 18 के आसपास में मिला था तो तब भी हम यार दोस्त बैठे थे, तो यही बेचारा मुझे बार बार कह रहा था कि यार ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में मैं गुजर रहा हूँ और मुझे नहीं समझ आता कि मैं इन चीज़ों को कैसे हैंडल करूँ। तो मैंने उनको बोला था मेरे साथ भी ऐसा होता रहा है, अभी भी हो जाता है। अभी वो आदमी सच में गैंगस्टर है कि नहीं, प्रॉब्लम ये है आज की डेट में हम इतना लाइफ में यू नो डर जाते हैं कि यार जिसका भी कॉल है आज अभी सलमान भाई के साथ जिसने भी करा है, अगर हम
एक पहलू देखे तो वाकई में बहुत सीरियस बात है, दूसरा पहलू देखो तो बहुत इजी बात है यार, किसी का भी आप नाम लेके एक चिट लिख के बोल दो ये GB है और ये LV है, तो कल को कोई कोई और शरारत कर जाए और कोई और उसकी भुगत जाए उस चीज़ का। तो ये प्रॉब्लम बहुत सालों से चल रही, पिछले 5 सालों से चल रही थी सिद्धू के साथ। लास्ट अभी वो 15 मई के आसपास वो आए थे मुंबई और मुझसे उनकी यही चैट पे बात चल रही थी, नॉर्मली बात। मेरा एक दोस्त है दीपक, जिसके थ्रू हम बात कर रहे थे कि यार मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ पाजी, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो अकेला घूम रहा हूँ, यहाँ तो कोई मुझे पहचानता नहीं है, कोई मुझे घूरता नहीं है। तो मैं मजाक में बोल रहा था कि तुम मेरे घर पे शिफ्ट हो जाओ, और जब भी तेरा दिल करता तो ये मैं सोच के यार मुंबई में पंजाब नहीं है, हम यहाँ मैं और कपिल पाजी रहते हैं और बहुत हमारी बॉन्डिंग है, तो यहाँ शिफ्ट हो जा। बस वही है कि एक लिखी थी या उसका लास्ट मैसेज आना ऐसे बताना, तो हो सकता था कि वो कुछ कहना चाह रहा था, बट ये जो हुआ है ये बहुत गलत तरीके के साथ हुआ है। एंड आई एम श्योर के कहीं ना कहीं सरकार इस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली रोकने की कोशिश कर रही होगी, क्योंकि अगर ये अब नहीं रुका और अगर हम लोग एक नहीं हुए तो दिन दिहाड़े किसी को भी साथ भी ये हो सकता है। आपकी सिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं खबरें आ रही है कि बढ़ा दी गई थी जी, जो भी इंसिडेंट्स हुए उस पर जी, ये शो है काफी फेस्टिव मूड हैप्पी जोर का, तो ऐसे जब ट्रेजिक न्यूज आती है और ऐसी खबरें आती है तो कितना इम्पैक्ट पड़ता है शूट पर आपकी हाँ बॉर्डर यू बहुत ज्यादा। इनफैक्ट मुझे बार बार बेचारे सोल प्रोडक्शन के जो लोग थे मुझे पूछ रहे थे आर यू ओके आर यू, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था एंड समझ नहीं आ रही थी हम क्या करें और क्या किसको बुरा बोले, क्योंकि पता नहीं चल रहा किसके साथ उसकी दुश्मनी है और कौन ऐसे करके जाता है। पहले सिद्धू जी सिद्धू के साथ इतना बुरा हुआ मुझसे वाले के साथ, दूसरी न्यूज़ आती है के भाई की, तो ये सारी सडनली हमने 3-4 दिन के लिए हमने शूट रोका भी है, और बिकॉज माइंड हमारा चल नहीं पा रहा था और सही ढंग से मैं शूटिंग भी नहीं कर पा रहा था। मन में यही होता कि यार काश मैं सिद्धू को रोक पाता, काश मैं और उससे जान पाता कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम। और दूसरा क्या हो रहा कि बैक टू बैक दो डेथ होनी और कहीं ना कहीं जो एक जवान लड़का है उसके पेरेंट्स पे क्या गुजरी होगी। मैं एज ए फ्रेंड इतना उदास हूँ, उनके फैंस इतने उदास हैं सारे, तो जिसका बच्चा गया है वो तो उसका दर्द तो वो ही जान सकते हैं। तो मैं पूरी सरकार से और पुलिस से सभी से और स्पेशली हमारी सिंगर कम्युनिटी से मैं बोलना चाहता हूँ कि यार ये फेक लाइफ से आप बाहर आओ। मैंने बड़े बड़े सिंगर्स का मैं मेंशन नहीं करूँगा, आप जाके इंस्टाग्राम पे देखना किसी ने पोस्ट नहीं करा, स्टोरी डालते हैं और स्टोरी में ये लिखते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, भगवान उनके पेरेंट्स को ये दुख सहने का बल बख्शे। अरे भाई वो नेचुरल डेथ नहीं है, वो मर्डर है, आप खुल के बोलो ये गलत हुआ है। अगर आपको लगता है कि ठीक है हम किसी गैंगस्टर पॉइंट आउट ना करें, ना करो, आप कंडोलेंस तो दिखाओ यार, आप ट्रिब्यूट तो करो। बड़े बड़े सिंगर्स जिनको उन्होंने सपोर्ट करा है उनका कोई पोस्ट नहीं आ रहा, कोई बात नहीं आ रही, तो ये चीज़ मुझे बहुत हर्ट करती है कि आपने देखा होगा पिछले 5-6 दिन से मैं कोई पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई अपना खुशियाँ नहीं मना रहा, कोई मैं रेगुलर जो अपने गाने प्रमोट करता था जो मैं पोस्ट डाल रहा था अपने शो को लेके, तो कहीं ना कहीं होता कि चलो यार एक ट्रिब्यूट देनी चाहिए, 4-5 दिन एटलीस्ट हम उनकी जो उनके साथ दुखद टाइम पे हम उनके पेरेंट्स के साथ जुड़ के चले, एटलीस्ट 5-6 दिन, एक हफ्ता नहीं। उनकी डेथ आज हुई है, कल को फिर सब लोग स्पेशली पंजाबी कम्युनिटी में लोग प्रमोट कर रहे हैं अपने गाने को और अपना स्वैग डालते जा रहे हैं, तो ये जो भी मुझे बहुत हर्ट करते कि कहीं ना कहीं चाहे वो सिद्धू जी थे चाहे वो के भाई हैं, यार हमारे वो लेजेंड मरे हैं और उनको ट्रिब्यूट देनी चाहिए, प्यार से उनको अलविदा करना चाहिए, उनके पेरेंट्स को उनकी फैमिली को लगे वाकई हमारे बच्चे ने इतना बड़ा नाम कमाया। और आज देखो सिद्धू मूसे वाले जो है वो अमर हो गए हैं, हर बच्चा टैटू बना रहा है अपने हाथ पे, हर बच्चा ट्रैक्टर ले रहा है, ट्रैक्टर के पीछे भी सिद्धू मूसे वाले की फ़ोटो छप रही है। तो ये बहुत जो बड़े बड़े सिंगर जो इतनी उम्र में नहीं कर पाए, इतनी यंग एज में उन्होंने ये काम करा, इतनी यंग एज में उन्होंने ये मुकाम और ये नाम कमाया है, और भगवान की आत्मा को शांति दे। एंड के पहले सिद्धू जी गए फिर के सर गए हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस है हमारी इंडस्ट्री के लिए।